स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करने वाली। यदि आपको जो है आधार एनरोलमेंट सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो से ये पता लगा सकते हैं कि आपके नियर बाय में कौन सा जो है आधार एनरोलमेंट सेंटर है, उस जगह पर आप आसान तरीके से पहुँच पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा कम्प्लीट जानकारी देने वाले, तो आप इस चीज़ को जानने के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में गूगल क्रोम में जाकर के या फिर जो भी ब्राउज़र आप ओपन यूज करते हो उसमें जाकर के आपको ये टाइप कर देना है सिंपली आधार। यहाँ पे जैसे आप आधार टाइप कर देते हो तो उसके बाद जो फर्स्ट वाला जो लिंक दिखाई देगा उसी के ऊपर में आपको क्लिक कर देना आधार, यहाँ पर UIDAI इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको जो है हिंदी में दिखाई देता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। यदि आप इसमें लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यदि आपको हिंदी में आ गया है, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो ए और जो लिखा हुआ इसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा लैंग्वेज दिख जाएगा इसमें। अब यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हम, यहाँ पे पेज आपका रिडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद फिर आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है लोकेट अन एनरोलमेंट सेंटर। यहीं पर यदि आप हिंदी में इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम हिंदी में क्लिक कर दिए, अब आपको यहाँ पर पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके आना है, यहाँ पे लिखा हुआ नामांकन केंद्र का पता लगा है इसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे जैसे अगर हिंदी मोड किया हुआ रहेगा तो हो सकता है इस तरह से आपको एरर भी मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है हिंदी में करके हम चेक कर रहे हैं तो इस तरह का एरर शो हो रहा है, और इंग्लिश वर्जन में कर रहे हैं तो वो यहाँ पर किसी तरह का एरर नहीं आ रहा है। तो आपको लैंग्वेज वहाँ पर जो है चेंज कर देना है, उसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर बैक आओगे तो आपके सामने में ये जो दिखाई दे रहा है ए ओ, यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश रहना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है पेज रिडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको जो है लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर इसके ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे आप इजी वे में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टेट दिया हुआ है, पोस्टल पिन कोड दिया हुआ, सर्च बॉक्स दिया हुआ। सबसे जो आसान तरीका है सर्च करने का मेरे हिसाब से पोस्टल पिन कोड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने में कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना जो है पिन कोड टाइप कर लेना है। पिन कोड टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लोकेट सेंटर जो है इसके ऊपर में क्लिक करोगे। आपके नियर बाय में आपके ज़िले में जो भी आप पिन कोड दिए हो उस लोकेशन में जो भी होगा एनरोलमेंट सेंटर, अपडेट सेंटर, वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएगा, उस जगह पर आप आसान तरीके से पहुँच पाओगे। तो यहाँ पर हम आपको ये भी करके दिखाते हैं। फाइनली हम सारा चीज़ फिल कर दिया, अब हम जो यहाँ पे लोकेट एंड सेंटर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है। इसको इस पेज को आप जो यहाँ पे अप डाउन करके आप पूरा जो है जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर में आप क्लिक भी कर सकते, और यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, और इस एड्रेस को यदि आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। इस तरीके से आप एड्रेस के बारे में पता लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आप सभी दोस्तों को समझ में आएगा। मिलते हैं फिक्सन अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।